हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग निकल गए हैं एक बेहतरीन से पिकनिक प्लेस पे। हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ का एरिया पूरा जंगल टाइप का है, और अब हम लोग इस टाइम पे गांव वाले एरिया में घुस चुके हैं। और इधर भी देख लीजिए, ज्यादा गांव है नहीं, बस थोड़ा बहुत घर दिखाई दे रहा है और चारों तरफ जंगल ही है। कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं इधर भी बस। कुछ अंदर आने पर यहाँ पर एक दुकान दिखाई देता है, और उस दुकान के बाद वाला एरिया पूरा जंगल वाला स्टार्ट हो जाता है। इधर पूरा चारों तरफ जंगल स्टार्ट हो चुका है। अभी उतने बड़े बड़े पौधे दिखाई दे नहीं रहे हैं, लेकिन जंगल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद कोई भी घर आगे दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम एकदम मस्त होता है, धूप बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इस गाड़ी से जाने में तो और ही मजा आ रहा था। देखो सब मजे में ही जा रहे हैं। जंगल में बहुत अंदर आने के बाद हम लोगों को वहां पर पानी भी दिखाई देने लगता है हल्का फुल्का। और यहाँ पर जंगल में ही धान की रोपाई हुई है, और कुछ खेतों में धान रोपना बाकी है। तो अब हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जिधर की हम लोगों को पार्टी मनानी थी। अब हम लोग एक अच्छा सा प्लेस देख करके वहीं पर अपना सारा सामान लेकर के आ गए हैं। यहाँ पर देखिए सभी लोग सामान लेकर के आ रहे हैं, और अब यहीं पर हम लोगों का खाना वाना बनने वाला है। यहाँ पर बनने वाला है बाटी चोखा और दाल चावल। तो देखिए इधर बैगन वैगन, और अब आग भी लगा दिया गया है। देखिए इसमें आग जल रहा है, और इधर बैगन टमाटर सब रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर बनेगा हम लोगों का बाटी चोखा। तो अब हम लोग घूमने के लिए निकल गए हैं, और यहाँ पर देखिए आ चुके हैं जहाँ पर कि बहुत तेजी से पानी जा रहा है नीचे की ओर। तो ये वो वाला पानी है जो कि रास्ते में से दिखाई दे रहा था, और इसी पानी में देखिए कुछ लोग वहाँ पर नहा वहा भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन उसी पानी में है। देखिए ये लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। वैसे बहुत दूर तक पानी है और अंदर बहुत ही गढ़ा भी है। ये पानी डैम के एक तरफ का है, और इस टाइम हम लोग डैम पे ही हैं। इस पार डैम के पूरा पानी ही पानी भरा हुआ है, और इसी तरफ पानी को खोलने के लिए भी बनाया हुआ है। उधर पे ही हम लोग जा रहे हैं, वहीं पे चल के आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे वहां पर बना हुआ है। और डैम के एक तरफ पूरा पानी भरा हुआ है, और एक तरफ पूरा जंगल है। देखिए इस टाइप इस तरफ पूरा जंगल ही जंगल है, और इस तरफ पे पानी है। और ऊपर से इस जंगल वाले साइड को देखने पर तो बहुत ही मस्त दिखाई दे रहा था, और जहाँ जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ वहाँ पे देखिए धुआं उठ रहा है। और इधर पानी वाले साइड में तो पूरा दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, एकदम पूरा पानी ही है। तो देखिए इस टाइम मैं डैम के पास आ गया हूँ, और इतना लंबा बनाया गया है वहाँ पे जाने के लिए, सीढ़ी भी बनाया गया है इस पे। और देखिए यहीं से उस डैम के पास जाया जाता है, पूरा लंबा में बनाया गया है। तो पास में चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यही है डैम, और वहाँ पे कुछ खोलने वोलने के लिए भी बनाया गया है लग रहा है। देखिए यहाँ पे पानी खोलने के लिए बनाया गया है, यहाँ से पानी कम बेसी किया जाता है, और इधर पूरा पानी ही पानी है, हर पूरा एकदम पीछे तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। देख लीजिए सब पानी ही पानी है। और ये भी कुछ बनाया गया है, ऐसे ऐसे घूमता है, पहले घूमता था अब नहीं घूम रहा है। ये क्या है मुझे नहीं पता है, ऐसा बना है। और यहीं पे दूसरे साइड नीचे उतरने के लिए भी सीढ़ी बनाया गया है। उस तरफ डैम था, और इस तरफ देखिए सीढ़ी बनाया गया है नीचे उतरने के लिए। पूरा पेड़ पौधे जम गए हैं, इस समय बरसात का टाइम चल रहा है, तो इसीलिए सारा हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। तो डैम के इस पार पानी निकल रहा है, जितना खोला गया है उतने में से पानी निकल रहा है। तो वो भी दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ से पानी निकल रहा है, और इस समय बरसात हुआ है तो पानी का प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा है। देखिए उसमें से बहुत ही तेज़ी से पानी निकल रहा है एकदम। देखिए यहाँ पे पानी जा रहा है बहुत तेज़ी से, और वहाँ पे देखिए पानी डाइवर्ट हो गया है, मतलब कि दो हिस्सों में बट गया है वहाँ पानी। चलिए उधर दिखाते हैं। ये पानी जो है एक
एक वो जो उधर का पानी जा रहा है वो तो नीचे चला जाता है, लेकिन जो इधर एक तरफ पानी जा रहा है ये वाटर प्योरीफाइंग में जा रहा है, वो इस टाइम बंद है, अभी नया नया बना है। देखिए यही वाटर प्योरीफाइंग सेंटर है, यही ये जंगल के बीच में ही बनाया गया है, और यहाँ पे देखिए लिखा गया है जल जीवन मिशन, तो यहाँ पे वाटर प्योरीफाइंग होगा। अभी अभी ये बंद चल रहा है, अभी नया नया अभी बना है, तो कुछ दिन के बाद यहाँ पे वाटर प्योरीफाइंग होने लगेगा। और ये एक जगह है जहाँ पे पूरा पत्थर पत्थर बिछाया गया है, देखिए बहुत दूर तक ये ऐसे ही पूरा है, दूर तक दिखाई दे रहा है। और पूरा घूम टहल के आने के बाद हम लोग यहाँ पर खाना खाना शुरू कर दिए हैं, देखिए सभी लोग बैठ करके खाना खा रहे हैं, देखिए इधर पूरे चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं अपना खाने का आनंद ले रहे हैं।